सो मैं ये तस्वीर विखानी हाँ जिथे कि पित्तल के भांडे ने सो ये पित्तल का रोटी वाला बोलिया आ सो जिथे अंगिठी भी आ सो इतने पित्तल की जी बाल्टी भी पई आ ये जी मधाणी आ सो मधाणी ने जी घर असी अक्सर वेखते सी साड़िया जो पुरानिया बजुर्ग महिलावान सगिया साड़िया जिमें नानिया दादिया जो भी ने उन्होंने समय के जी ये असी दुध रिड़कते सीगे मखनी तो लस्सी बनाई जाती सी तो ये जो संदूक आडे जिमें दादी होगी नानी होगी या फिर साड़ी पड़नानी पड़दादी होगी उन्होंने टाइम के होंगे सगा पर हूँ तो पेटियां तो बाद जिमें कपबोर्ड आ गया ना सो इन सारिया चीज़ों ने अलोप कर दिखाई ने पर कितने कितने ये भी इस मेले की शान बनया हुआ सत श्री अकाल तुसीं हाँ जी पंजाब दे नाल जुड़े हो तो मैं तुहाड़े नाल प्रदीप अडोल मोहाली दे विच सरस मेला चल रहा है तो इस मेले दे विच बहुत सारिया सानू खास तस्वीरां वेखण नू मिल रही ने इस मेले दे विच एक खास जिहड़ी तस्वीर आ साडे सभ्याचार दे नाल जुड़ी हुई है जिस दे विच पंजाबी विरसा है जो आपां कह सकदे कि अलोप हुंदा जा रहा है सो उह विरसे दे नाल जुड़ियां हुई सानू तस्वीरां उह विरसे दे नाल जुड़ियां हुई जो साडे घर दी रसोई दा सीगा घर दे मतलब कि रसोई तो बाहर जिवें खेतीबाड़ी दे नाल जुड़े हुए संद सीगे उह वेखण नू मिल रहे ने सो मैं ये तस्वीर विखानी हाँ जिथे कि पित्तल दे भांडे ने सो ये पित्तल का रोटियां वाला बोईया आ सो जिथे अंगिठी भी आ सो इतने पित्तल की जी बाल्टी भी पई आदि असी होर गल करते हैं जिथे कि अज जड़िया साड़िया पीढ़िया ने या फिर साढ़े मंजे आ वह भी सानू अमें नहीं वेखन मिलते सो ये जी पीढ़ी आ डिवेलप की हुई है कि इसनों मतलब कि काफ़ी जो डेकोरेट जो किया हो कि इनू नवा रूप भी दिता गया है पर हैगी है पुराने रूप के सो ये जी मधाणी आ सो मधाणी ने जी घर असी अक्सर वेखते सीगे साड़िया जो पुरानिया बजुर्ग महिलावान सगिया साड़िया जिमें नानिया दादिया जो भी ने उन्होंने समय के जी ये असी दुध रिड़कते सीगे मखनी तो लस्सी बनाई जाती सी सो यह भी कितने ना कि अज जी अलोप होंगी जा रही है क्योंकि मशीनी युग आ गया सो मशीनी युग के नाल साडा जो ये सभ्याचार भी अलोप होंदा जा रहा है सो इधर देखते हैं ये जी प्रदर्शनी लगाई है ये खूह वाला टिंडा लगाइया गई ने जिथे पहला मतलब कि खूह के उत्ते टिंडा लगाई जागियां तो पानी कढ़िया जाता सीगा ठीक है ये मतलब कि हल भी ये मतलब कि बल्द जोड़ के खूह के पानी कढ़िया जाता सीगा सो इत्थे जिहड़े आ खेतीबाड़ी के नाल संद जिहड़े साढ़े किसान वीर ने खेतीबाड़ी के नाल जिहड़े संद यूज होंगे सीगे खेतीबाड़ी के खेती करन के लिए वो सारे इस मेले के शान बन रहे हैं जिवें अलोप होंगे जा रहे हैं कि चीज़ आ इन्हों के उपर नाम भी लिखे हुआ है क्योंकि बहुत मैनू नहीं लगता कि इन्हों के नाम भी पता होंगे सो कली कली का नाम भी लिखा होया कि यह चीज़ की है जिमें यह दाती है यह पंजाली है यह रंबा आ सो एक आठ का हल आ सो इस तरह होर भी सारिया जो नाम लिखे हुए हैं सो अगे वे अगे देखते हैं ये जड़ा हार मतलब कि हारे तो छोटा जो अंगिठी होंगी सी सो अंगिठी तो जिमें आप दुध बना लिया या फिर होर सब्जी रोटी बना ली तो यह जी सू देख आप जी मतलब घर यूज़ करते बनाते चीज़ा तो इधर चूल्हा चुल्हे दे विच उपर जिमें आपने तौड़ी के उत्ते साग बनाना हुंदा सीगा इह तां इह तौड़ी आ ते जिहदे विच मतलब कि मिट्टी दी ते जिमें साग बनाया जांदा सीगा इह चुल्हा आ चुल्हे दे विच पाथियां या फिर लकड़ां दे नाल आपां जी अग बाल के रोटी बनांदे सीगे हालांकि हुण मशीनी युग दे विच आपां गैस आ गए ते गैस तो बाद इलैक्ट्रॉनिक गैस आ गया जिसने किते ना किते साडी जो घर दी रसोई दे विच जिमें चुल्हा सीगा उसदी थां लै लई आ सो इधर हारा आ हारे दे विच आपां दाल भी काढ़ सकदे दाल भी बना सकते सी ते नाल ही आपां दुध भी काढ़न दा जिहड़ा काम करदे सीगे सो इस मेले दे विच आह चक्की आ ते इत्थे जिवें आपां जिमें हुण ये मैनूं लगदा मेथों तां चलनी नहीं आ पर इत्थे जिवें कणक होगी या फिर चौल हो गया ना इदां पा के मतलब पीसदे सीगे इहनूं मतलब इदां चलांदे सीगे सो जिवें घर दीआं महिलावां ने साडीआं औरतां सीगे जां फिर बजुर्ग साडे सीगे उह इहनां चीज़ां दा इस्तेमाल करदे सीगे सो इस दे नाल आपां होर तस्वीर दिखांदे आ ये आ जी संदूक
ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੜਨਾਨੀ ਪੜਦਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪ ਬੋਰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਆ ਡੋਰੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਗੋ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਡੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੱਜ ਆ, ਅਤੇ ਛੱਜ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਛੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਛੱਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਜ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੱਖੀ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪੱਖੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।